एक बार मेरे साथ सभी मिलकर के जोर से नारा लगाएं ताकि हमारी ये एकता दिल्ली के पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं उनको भी सुनने को मिले। उनके कान बहरे हो चुके हैं और बहरे कानों को आपकी आवाज़ इतनी ज़ोर से जानी चाहिए कि वो उनके कान खुलें और वो ये देख लें कि आज ये किसान सभी भेदभाव भुलाकर, जात पात के मजहब संप्रदाय के सब भेद भुलाकर इकट्ठा होकर ये आंदोलन कर रहा है। इसकी मांगे मानने का और कोई विकल्प नहीं है, उनको माननी ही पड़ेंगी। तो जोर से मेरे साथ नारा लगाइए, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। दो बार बोलिएगा जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य मेरे सभी किसान भाइयों, श्रद्धा के योग्य हमारी सभी माताएं बहनें और नौजवान भाइयों, मैं आप लोगों के इस संगठन को और इस आंदोलन के प्रति संघर्ष को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने लगातार पिछले लगभग 2.25 महीने से यहां इस दिल्ली के मुहाने पर लाखों की संख्या में बैठ करके जिस तरह से यह आंदोलन लड़ा है, इस आंदोलन को चलाया है, इससे पूरी दुनिया के अंदर एक ये एग्जाम्पल बन गया है, एक उदाहरण बन गया है कि किसी भी देश के अंदर अगर आंदोलन चलाए जाते हैं जिनमें किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं होती, शांति के साथ, अनुशासन के साथ, और इतने लोगों का इकट्ठा जनसमूह आंदोलन लड़ सकता है, ये आंदोलन हमेशा लोगों के लिए एक उदाहरण बन करके रहेगा। आज मैं आपके सामने बहुत संक्षेप में 2-3 बातें कहना चाहता हूं। सरकार ने इस आंदोलन को शुरू होने से लेकर अब तक बहुत तरीके अपनाए कि इस आंदोलन को फेल किया जाए। जब आप पंजाब के भाई इस आंदोलन के लिए पंजाब से निकले और यहां दिल्ली की तरफ कूच किया तो आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा की सारी सीमाएं जो बॉर्डर थे वो सील कर दिए गए थे, बैरिकेटिंग कर दिए गए थे। हरियाणा के लोगों ने आगे बढ़कर के अपने पंजाब के भाइयों का स्वागत करते हुए उन बैरिकेटों को हटवा कर आगे बढ़ने का काम किया तो आपके ऊपर वाटर कैनन से पानी के फवारे छोड़े गए। वो केवल सर्दी में आप ठिठुरे, इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग उसमें घायल भी हुए, आपके व्हीकल भी बिगड़े, आपके कपड़े भीग गए। सर्दी का मौसम है, कपड़े भीगने के बाद 3 दिन से पहले कपड़े सूखते नहीं, उससे बीमार भी हुए। केवल उतना नहीं, उसके बाद आपके ऊपर लाठी चार्ज भी हुआ, अश्रु गैस भी छोड़े गए और एकाध बार पिछले दिनों में कहीं ना कहीं गोली भी चलाई गई। आप लोग पीछे नहीं हटे, उन्होंने फिर दूसरे तरीके से इस आंदोलन को तोड़ने की चीजें सोचनी शुरू की और 26 तारीख को एक नया इस प्रकार का कार्य करवाया जो बाकायदा प्रोजेक्टेड था, पहले से पूर्व निर्धारित था, प्रायोजित था कि हम और आप अर्थात पंजाब और हरियाणा के लोग आपस में टकराएं। ये भी उनका दाव फेल हो गया और एक ही दिन के अंदर जब गाजीपुर के ऊपर चारों तरफ से बहुत बड़ी संख्या में सीआरपी के, आईटीबीपी के, पीएसी के हजारों सिपाही वहां पर लगा दिए गए कि इस आंदोलन को यहां से उठाओ, इस धरने को यहां से उखाड़ो, उस समय वहां पर बैठे हरियाणा उत्तर प्रदेश के हमारे किसान नेता भाई राकेश टिकैत जी ने जो दिल की अपनी आवाज़ सारे देश के किसानों के लिए कही, और वो कोई इसलिए नहीं कि वो डर गए थे, मैं जानता हूं कि उस समय जब वो रोए, उनकी आंखों से जो उनके दिल में बहने वाली गंगा और जमुना की धारा, जो किसानों का प्यार था, वो उसकी आंखों से निकलकर जब धरती पर गिरा तो लोगों ने रात के 12 बजे भी उसको देखा और चारों तरफ इस हरियाणा के अंदर मैं देख रहा था पंचायतें होने लगी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पंचायतें होने लगी, पंजाब के लेकर के फाजिलका से और फिरोजपुर, उन सारे इलाकों में पंचायतें होने लगी और लोगों ने एक सूत्र में ये तैयारी शुरू की कि आंदोलन को जिस तरीके से सरकार फेल करना चाहती है हम किसी भी कीमत पर इसको फेल होने नहीं देंगे। और वहाँ पर जितने थोड़े लोग थे, बड़े बुजुर्ग भी थे और उसमें कई बीमार लोग भी थे, आसपास के लोग, दो वहाँ बीजेपी के एमएलएल नंद कुमार गुर्जर और सुनील शर्मा, ये दोनों अपने सैकड़ों गुंडों को लेकर के वहाँ आए और उन गुंडों ने आकर उन बुजुर्गों को ठोकरों से मारा, उनको लाठियों की खोद मार मार करके उनको अपमानित किया और उनको कहा कि तुम यहाँ से निकलो और हम तुमको यहाँ बैठने नहीं देंगे।
लोग घबराए नहीं, किंतु जब उस टिकैत की उन आंसुओं ने लोगों की आत्मा को जागृत किया तो वहीं पर 2 घंटे के अंदर लगभग 1.5-2 हजार आदमी तुरंत गाजीपुर पहुंचे और वो जो लोग संगीने ताने खड़े थे पुलिस के लोग, उनकी संगीने झुक गई और वो सारे के सारे वापस अपना बिस्तर बोरिया बांध करके चलने लगे। गाजीपुर की उस घटना ने इस आंदोलन को एक नए तरीके से खड़ा कर दिया। सरकार ने सोचा था 26 जनवरी का बड़ा संवेदनशील मामला है और इसके अंदर इमोशनल ब्लैकमेलिंग हम करने में कामयाब हो जाएंगे, किंतु कामयाब हुए नहीं। उसको बहुत तेजी से उठाया सारे राष्ट्रीय चैनलों में, देश के सामने ये उठाया गया, ये आंदोलनकारी लोग नहीं हैं, ये लोग तो देश को अपमान करने वाले लोग हैं, इन्होंने तो तिरंगे को जो अपमानित कर दिया, ये तो खालिस्तानी लोग हैं और इन लोगों को भगाओ, ये कोई किसानों की मांग लेकर के या नहीं आए। कितना दुष्प्रचार किया, किंतु उस दुष्प्रचार का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज मैं कहना चाहता हूँ, कल पार्लियामेंट में बजट आया है और वो बजट उनका आखिरी ब्रह्मास्त्र था। 3 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे हम किसानों को मना लेंगे, हम किसानों को सहमत कर लेंगे, हम उनको राजी कर लेंगे, क्योंकि हम किसान क्रांति बजट लाने जा रहे हैं। आज वो बजट आ गया और उस बजट में हमने क्या देखा, खोदा पहाड़ तो निकली चूहिया। किसानों को उनकी उन्नति के लिए कह रहे हैं कि हम डीजल और पेट्रोल के ऊपर सेस लगाएंगे, एग्रीकल्चर सेस, अर्थात 2.5 रुपये पेट्रोल और 4 रुपया डीजल आज से महंगा होगा और ये जो रुपया आएगा ये हम किसानों के लिए खर्च करेंगे, हमारी ही जेब से पैसा निकालकर हमारे ही ऊपर खर्च करने की बात कही जा रही है। आप देख लीजिएगा पूरे बजट के अंदर, ना उसमें कहीं MSP को कानूनी गारंटी देने की बात कही गई, ना उसके अंदर तीनों काले कानूनों को वापस लेने की बात कही गई, ना ये बताया गया कि जो अब अडानी सारे देश के अंदर 1000 जो बड़े बड़े गोदाम बनाने के लिए लगा हुआ है, जिसमें इस देश के खाद्यान्न को किसानों से सस्ते भाव में लेकर जमा किया जाएगा, जमाखोरी वहां पर होगी और उस जमाखोरी के बाद इस देश का जो उपभोक्ता है, जो खरीद के भोजन करता है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो कोई व्यापारी है, चाहे कोई कर्मचारी है, जो खेत में अनाज पैदा नहीं करते वो लोग खरीद के खाते हैं, उनको उस दिन पता लगेगा कि जब किसान से सस्ता खरीद कर ये गोदाम भर करके ये लोग जब महंगा हो जाएगा सब सामान, तब उस गोदाम में से महंगा सामान बेचकर करोड़ों और अरबों पति बनेंगे। उनके बारे में बजट में कहीं कोई संकेत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं आपका आंदोलन जिस भी कोने से सरकार ने फेल करने की कोशिश की, वो सारी की सारी बातें फेल हो गई। आज आप एक ऐसे पड़ाव पर हैं जहां पर आपको सबसे ज्यादा आवश्यक बात अगर कोई करनी होगी, मुझसे पहले हमारे किसान नेता बलबीर सिंह सिरसा आपको कुछ हिदायतें दे के गए थे और मैं बड़ी ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि गुरुमुखी समझ में तो आती है परंतु मैं बोल नहीं पाता, क्योंकि हमने भी 1966-67 में गुरुमुखी पढ़ी है। जब संयुक्त पंजाब था उस समय हम पढ़ते थे तो गुरुमुखी पढ़ाई जाती थी और वो हमने पढ़ी हुई है, हम पढ़ भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, किंतु बोलने का अभ्यास न होने से बोल नहीं पाते। किंतु उन्होंने जो बात कही, आज इस आंदोलन को संभालने की और इसकी सुरक्षा करने की जरूरत है। सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि हम अपने आंदोलन को बिखरने न दें। हमारे बीच में अनेक तरह की बातें छोड़ी जाएंगी, लोकल लेवल पर कुछ लोगों को इधर से उधर से पैसा देकर और अपने RSS के कार्यकर्ताओं को लाकर जिस प्रकार की हुड़दंगबाजी हमारे इसी मंच के आसपास हुई, हमारे टीकरी बॉर्डर के मंच के आसपास हुई, मैं ये कहता हूँ इन सारी हरकतों से वो लोग हमको प्रवोक करना चाहते हैं, वो लोग हमको भड़काना चाहते, उकसाना चाहते हैं, ताकि हमारे नौजवान यहाँ जो वॉलंटियर्स हैं वो गुस्से में आ जाएं और वो गुस्से में आकर अपना हाथ उठा लें और उनको मौका मिले पुलिस को प्रोजेक्ट करने का कि देखो आंदोलनकारी बाहर आने जाने वाले लोगों को पीट रहे हैं। किंतु मैं आपसे निवेदन करूंगा, इतना लंबा धैर्य जो आपने अभी तक दिया है, आप आगे भी अपने आंदोलन को सही तरीके से चलाने के लिए शांति से, अनुशासन से और बिना किसी हिंसा के प्रजातांत्रिक तरीके से आप आंदोलन को चलाते रहिए। मंजिल बिल्कुल नजदीक है और मंजिल पर हम पहुंचने वाले हैं। सरकार को झुकना पड़ेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं है
कि किसान की मांगों को इस देश की सरकार नहीं माने। आप निश्चिंत रहिए इस बात के लिए, ये आंदोलन पहला आंदोलन है आजादी के बाद जो इतना बड़ा संगठित, इतना प्रभावशाली और इतना शांति और अनुशासन के साथ चला है। आज तक कोई ऐसा आंदोलन हमने देखा नहीं है। मुझे 1973 का किसान आंदोलन याद है, जब वहाँ पंजाब के सरदार गुरचरण सिंह टोहरा और हमारे बहुत सारे वहाँ के जो किसान नेता थे, सिख नेता, वो हजारों लोगों को भर करके करनाल आए थे। हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, हमने भी उस समय उस आंदोलन में भाग लिया था और तब देखा था। एक दिन आंदोलन हुआ और बाकी गिरफ्तारियां हो गई, लोग चले गए। किंतु इतना लंबा आंदोलन, धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है और एक इतिहास बनाया आपने 26 तारीख को कि दिल्ली की सड़कों पर लाखों ट्रैक्टर, लगभग 4-5 लाख ट्रैक्टर बिना किसी दुर्घटना के, बिना किसी स्थानीय व्यक्ति को हानि पहुंचाए, आप लोगों ने अपने उस यात्रा को निकाला, उस परेड को निकाला। वरना इतने इतने व्हीकल्स को, इतने ट्रैक्टरों को ठीक से रखना बहुत मुश्किल बात होती है। किंतु ये किसान था जो बहुत ही बड़े दिल के साथ आंदोलन में लगा है, जिसने अपने उस परेड को, जो ट्रैक्टरों की परेड थी, उसको बहुत अच्छी प्रकार से निकाला। किंतु दुर्भाग्य से सरकार के द्वारा जो प्रायोजित प्रोग्राम था, जिसको लेकर इस आंदोलन को फेल करने का षड्यंत्र बना था, जब वो फोटो वायरल हो गए करने वालों के, कि प्रधानमंत्री जी के पर्सनल रूम में उनके फोटो खींच रहे हैं, गृह मंत्री जी के ड्राइंग रूम में वो वार्ता कर रहे हैं, और वो सारी चीजें जब ओपन हो गई तो उनका जो ये षड्यंत्र था वो भी 4 घंटे के अंदर फेल हो गया। सारे देश के लोगों ने समझ लिया कि लाल किले पर जो कुछ हुआ था वो किसने करवाया, वो किसान नेताओं ने नहीं करवाया, वो इन किसानों ने नहीं किया, बल्कि प्रायोजित कार्यक्रम सरकार के द्वारा जो हुआ था, आज सारे देश की जनता ने उसको अच्छी तरह से समझ लिया। आप बेशक उसको दोहराए नहीं, उसके बारे में अब लोगों में कोई शंका, मन में कोई सवाल नहीं है। आपके साथ लोग खड़े हुए हैं। मैं हरियाणा के सारे जिलों में घूम घूम करके और लगातार रोज टीकरी बॉर्डर या इधर आता रहता हूं। कल मैं जींद के अंदर था, लगभग 2,500-3,000 लोगों के समूह में हमने बाकायदा सबके बीच में प्रस्ताव रखा। आप ताजुब करेंगे, छोटे बच्चे से लेकर, माताओं बहनों से लेकर, नौजवानों से लेकर, सब लोग उछल पड़े, जोर जोर से जोश में आकर के नारे लगाने लगे। आज हर आदमी किसान आंदोलन के साथ है, सरकार को सारी चीजों का पता है और वो टेस्ट लेते लेते यहां तक आ गए है कि अब आगे उसके पास कोई ऐसा दाव नहीं बचा जो दाव लगाकर इस आंदोलन को और अधिक कमजोर कर सके या इसको और फेल कर सके। इस नाते से मैं आपको चाहूंगा, आप डटे रहें और मजबूती के साथ डटे रहें। मैं आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूं और आर्य समाज की जो हमारी विश्व की बॉडी है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ आर्य समाज, मैं उसके अध्यक्ष के नाते इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मैं आया। मैंने कोई आयोजकों से पहले इस तरह की सूचना नहीं दी। मैं इसलिए आया कि आर्य समाज एक राष्ट्रवादी संस्था है। आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि राजाओं के भी राजा किसान आदि परिश्रम करने वाले लोग होते हैं। स्वामी दयानंद जी के सबसे परम भक्त और बड़े अनुयायी सरदार अर्जुन सिंह, जो शहीद आजम भगत सिंह के दादा थे, और उनके बेटे सरदार अजीत सिंह, जिन्होंने 1906 में लुधियाना के अंदर किसान आंदोलन चलाया था आज से लगभग 115 साल पहले, और उस आंदोलन में किसान जानते हैं, पंजाब के भाई जानते हैं कि एक नारा लगा था, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए, ये जो नारा था ये सरदार अजीत सिंह का था। आर्य समाज की प्रेरणा उसके अंदर शामिल रही थी। दीन बंधु सर छोटू राम इसी इलाके के रावलपिंडी से रेवाड़ी तक सारे पंजाब के एक बहुत महान किसान नेता हुए जो आर्य समाज से जुड़े थे। उन्होंने किसानों के लिए बहुत बड़े बड़े ऐतिहासिक कानून बनाए। इस नाते से मैं कहता हूं कि आर्य समाज ने हमेशा किसानों का और जो भी अन्याय के खिलाफ आंदोलन होते हैं उनमें हमेशा आगे बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। जब मैं आ रहा था, कई लोगों को थोड़ा बहुत ये लगा कि भगवा वस्त्र वाले कौन आ गए। एक आध आदमी ने यह भी कह दिया, आप योगी आदित्यनाथ की टीम के हो या कौन से हो। मैं ये कहना चाहता हूं, ये यहां आना मेरा जरूरी है,
ताकि मालूम पड़े कि ये भगवा जो वस्त्र हैं, ये भगवा जो रंग है, आपकी पगड़ी भी कईयों की मैं देखता हूं, ये किसी का पेटेंट नहीं है कि किसी एक किसी जाति या किसी एक पार्टी का ये कोई पेटेंट हो गया हो कि कोई दूसरा नहीं पहन सकता। ये कुर्बानी का, ये बलिदान का, ये अग्नि का प्रतीक रंग है, ये सब पहन सकते हैं। सन्यासी सबका होता है, सन्यासी का कोई अपना परिवार नहीं होता है। आज सन्यासी के नाते, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे और किसी भी मजहब से जुड़े लोग हैं, चाहे किसी जाति बिरादरी के लोग हैं, जो भी किसान है, जो भी खेत में धरती माँ के सीने को चीर करके अनाज पैदा करता है और लोगों का पेट भरता है, जो भी मेहनत करने वाला व्यक्ति है, किसान के साथ मेहनत करके उसका सहयोग करता वो मजदूर है, वो सब के सब एक कौम के हैं और वो कौम है किसान। किसान के बीच में और चीजें मत डालिए। किसान की लड़ाई, किसान के मुद्दे आज हमारे सामने हैं। बजट पूरी तरह से किसान के सवाल पर फेल हुआ है। सरकार तो बगले पीट रही है कि देखो हमने किसान के लिए क्रांतिकारी बजट ला दिया, किंतु जब बजट पढ़ा, मैं सुबह 2 घंटे लगातार पढ़ता रहा कि मंच पर जाना है, लोग पूछेंगे आज का बजट आया उसके बारे में बताइए, पूरी तरह से वो बजट हमारे इस आंदोलन के दायरे में और किसान के भविष्य के संबंध में पूरी तरह से फेल बजट है। कहीं किसान की कोई सब्सिडी नहीं बढ़ी, कहीं किसान को कोई रियायत नहीं मिली। 16 लाख रुपया कर्ज दे देंगे किसानों को, तुम तो कर्जवान ही बना सकते हो और तो कुछ नहीं कर सकते। हम चाहते हैं तुम हमको MSP दो और MSP को कानून बनाओ पार्लियामेंट में कि किसान की कोई भी जिनस इस मूल्य से नीचे कोई खरीद नहीं सकता। 1.5% बजट में कहा गया है कि 1.5% 1.5 गुना किसान की जो लागत आएगी उससे हम 1.5 गुना ज्यादा उसका मूल्य देंगे। हम पूछना चाहते हैं, एक्सपर्ट्स ने पूछा है, आपने ये कह दिया, किंतु इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? ये तो पहले भी बहुत बार कहा गया है, आप इंप्लीमेंटेशन करेंगे। इंप्लीमेंटेशन कब होगा? जब MSP का कानून बनेगा। MSP का कानून और 1.5 गुना लागत से मिले, ये दोनों बातें आप करके दिखाइए। पार्लियामेंट चल रही है, नहीं तो किसानों के आगे आपकी जुबान नहीं खुल सकती है। इस नाते से साथियों, हम आपके साथ हैं और मिल करके इसको आप आगे बढ़ाइएगा। एक बात जरूर मैं चाहूंगा, जो निंदा का प्रस्ताव आपका आना चाहिए वो ये है कि आपके इस सारे आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का जिस मीडिया जो सर्कल है जिसने काम किया, वो छोटे छोटे टेलीफोन पर सोशल मीडिया के साथियों ने किया। राष्ट्रीय चैनल सारे उल्टा और दुष्प्रचार कर रहे हैं, विरोध में बोल रहे हैं, कुछ भी बात हाथ लगे उनको उसको तोड़ मरोड़ के लिखते हैं, सारे अखबार बिके पड़े हैं। ये छोटे जो सोशल मीडिया के साथी थे, सैकड़ों सैकड़ों नौजवान लग गए जिन्होंने सरकार की बनाई झूठी IT सेल को फेल किया, आज उसके ऊपर पाबंदी लगा रखी है। ये प्रजातंत्र है, संविधान की सौगंध खाने वाले इस देश के जो हुक्मरान हैं, मैं उनसे पूछता हूं, एक तरफ तुम सौगंध खाते हो संविधान की, उसके आगे माथा रखते हो, और दूसरी तरफ संविधान को आप बाकायदा उसकी बखिया उधेड़ रहे हो। संविधान अधिकार देता है कि हर व्यक्ति आंदोलन कर सकता है, आवाज उठा सकता है, जलसे जुलूस कर सकता है, रैलियां निकाल सकता है, और जब वो जलसे जुलूस करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे, तो सरकार के लिए ये बाइंडिंग है संविधान के अनुसार कि उनके पानी की व्यवस्था, उनके बिजली की व्यवस्था, उनके सैनिटेशन की व्यवस्था सरकार को निःशुल्क करनी पड़ेगी। अरे लोगों को तुम पानी न दे करके जान से मार देना चाहते हो, तो किस बात की संविधान की सौगंध तुमने खा रखी है? इसलिए मैं कहता हूं, आप एक प्रस्ताव कीजिए, दुनिया की प्रेस में वो प्रस्ताव जाएगा, इस सरकार के माथे पर कलंक लगेगा, BBC उठाएगा और दुनिया के प्रेस उठाएगी। यहां के जो बिकाऊ मीडिया है वो तो चाहे ना भी उठाओ, किंतु अगर दुनिया की प्रेस ने उठाया तो सरकार को जवाब नहीं दिया जा सकेगा। और वो प्रस्ताव ये है कि जितना IT के जो इंटरनेट की जो सेवाएं हैं, जितने ट्विटर हैं, आज ही लिखा 250 ट्विटर और उनके जो ब्लॉग हैं वो सारे सीज कर दिए, वो हमारे किसान मोर्चा के हैं। क्योंकि किसान मोर्चा की जो खबरें हैं वो कहते हैं ये फेक खबरें, झूठी खबरें फैला रहे हैं। मंत्रालय ने लिखा ट्विटर वाले को कि इसके ऊपर बैन लगाओ। मैं ये मांग करता हूं और ये प्रस्ताव रखता हूं सदन में कि जो इंटरनेट के ऊपर पाबंदी लगाई है, जो सारे के सारे व्हाट्सएप वगैरह पर पाबंदी लगा रखी है, जो ब्लॉग और ट्विटर ब्लॉक किए हैं, बंद किए हैं,
या कोई भी सर्विसेज जो आपस में आदान प्रदान के लिए बनी हुई है उनके ऊपर जो रोक लगी है, ये गैर प्रजातांत्रिक है, गैर संवैधानिक है, इसलिए इनको खोला जाना चाहिए। जो भाई इसको चाहते कि तुरंत खुले, वो एक बार हाथ उठाओ और इस प्रस्ताव को भेजो दुनिया के अंदर। सरकार को जवाब देना पड़ेगा, या तो संविधान की सौगंध खाना बंद करो और या लोगों की इन जो सुविधाएं हैं जिनसे वो आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं वो उनको मिले और उनको तुम दो। पानी को बंद करना और बिजली को बंद करना तुम्हारे लिए इंसानियत के नाम पर लानत है, डूब मरना चाहिए तुमको। तुम कहते हो किसानों के हित ऐसे है और लाखों लोगों को बिना पानी बिना बिजली अंधेरे में तुम यहां पर रखना चाहते हो खुले आकाश के नीचे। इससे बड़ी कोई एक प्रकार से अनैतिकता की बात, अमानवीय बात कोई हो नहीं सकती है। मैं चाहता हूं कि सरकार बहुत जल्दी इस सारी चीज को समझे, इन लोगों के गुस्से को समझे और अपने हट को छोड़कर किसानों की जो मांगे हैं उनको स्वीकार करें और इनको बहुत खुशी से जश्न मनाते हुए अपने घरों को जाने दें। धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते।